जैसे आप देखो बाघ का बच्चा बाघ ही होगा, शेर का बच्चा शेर होगा। आप घर के लिए डॉगी लेने जाते हो तो डॉगी का भी पता करते हो, इसकी माता कैसी थी, इसका फादर कैसा था, उसके वंश का पता करते हो, फिर उसको घर में लाते हो। पर आप किसके पुत्र हो, आप किसकी बेटी हो, आप किसके बेटे हो? आप ध्यान से देखोगे, आप कहीं ना कहीं देख के जाओगे तो आप तो परमात्मा के बेटे हो, आप उस माँ जगत जननी के बेटे हो, आप शिव शक्ति के बेटे हो, आप भगवान के बेटे हो। तो जब आप अपने माता पिता के बारे सोचते हैं, आप अपने गुरु के बारे सोचते हैं, तो फिर आपको प्राउड होना चाहिए कि हम इस गुरु के शिष्य हैं और हम डायरेक्ट भगवान के बच्चे हैं। हम माता पिता हमारी माँ, हमारे जो शिव शक्ति हैं, माँ हमारी माँ है, राजर्जेश्वरी जगत जननी हमारी माँ है। जब ऐसा सोचना शुरू करते हो आप सीधा सीधा पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हो, आप पूरे यूनिवर्स से जुड़ जाते हो और आपको पूरी की पूरी यूनिवर्स की शक्तियां मिलनी शुरू हो जाती हैं।